नागपुरात हिंदू धर्म रक्षा समितीद्वारा समाजात होत असलेल्या जिहादी मानसिकतेमुळे होणाऱ्या हत्यांच्या निषेधार्थ व्हेरायटी चौकात विरोध प्रदर्शन करण्यात आले. यावेळी हिंदू धर्म रक्षा समितीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते, तर त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. तर यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक सुद्धा उपस्थित होते. देश के अंदर एक वातावरण बनाने का और बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है. आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों की हत्या, धमकी देना, एक किसी ने कुछ कहा उसको लेकर के सर क्या कलम करने का, वो क्या कहते हैं, सर तन से जुदा, ये नारा टीवी पर बैठ करके उनके धर्मगुरु कहते हैं कि इस प्रकार की कोई भाषा हमारे धर्म के अंदर नहीं कही जा सकती, फिर ये क्यों कही जाती है? और यदि ये कही जाती है तो सड़क पर उतर के इसका विरोध क्यों नहीं होता? टीवी पर बैठ के विरोध करते हो, सड़क पर उतर के विरोध क्यों नहीं करते? हिंदू समाज के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, यह सहन करने योग्य नहीं है. कभी हिजाब का विषय लेकर के करोगे, कभी मदरसों के विषय को लेकर के करोगे, कभी तीन तलाक के विषय को लेकर के करोगे, कभी धारा 370 के विषय को लेकर के करोगे. और आश्चर्य तो तब जब आज मैं किसी राजनीतिक विषय पर छेड़ता नहीं हूं, किसी राजनीतिक विषय की ओर चर्चा भी नहीं करता, लेकिन आज जिस प्रकार का एक घोर निंदनीय कार्य दिल्ली के अंदर हुआ, उसकी निंदा यह होनी ही चाहिए कि देश के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव का कार्य ये काल चल रहा है. सरकार ने निर्धारित किया कि हम अमृत महोत्सव मनाएंगे और आज उसके निमित्त एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, संसद भवन से निकली, उसके अंदर सबको आमंत्रित किया, सब सांसदों को आमंत्रित किया. लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, अनेक दलों के सांसद उसके अंदर शामिल नहीं थे. और शामिल ना होने की जो बात उन्होंने की है वो बड़ी निंदनीय है. मैं उस देश में नहीं जाता, लेकिन उसकी कठोर निंदा इस देश की प्रत्येक नागरिक ने करनी चाहिए. वो कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं था, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम था. उस राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी आपने विरोध करने का जो पाप किया है, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी.